भाटी जी कोई निभाने वाला चाहिए, अभी चाहने वाला तो हर एक मोड़ पे खड़ो। अरे ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगो, थारे यार सरकारी में पढ़ो, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। राउडी वारदात उर्फ रोहित गुर्जर, जिनकी अब से दो दिन पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। तो जहां राउडी की मौत के बाद तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राउडी की मौत हत्या भी हो सकती है। लेकिन हम इस वीडियो में राउडी वारदात के इस प्रकरण के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज के इस वीडियो में हम आपको राउडी वारदात की जिंदगी की उन सच्चाइयों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जाननी और देखनी चाहिए। जैसे कि राउडी का नाम राउडी वारदात क्यों पड़ा, राउडी वारदात की कितनी गर्लफ्रेंड थी, उसकी इनकम कितनी थी, कितने केस राउडी के ऊपर दर्ज थे, और वो बड़े बड़े बाल क्यों रखता था, आखिर उसका आगे का प्लान क्या था, और सबसे अहम बात लड़कियों को लेकर राउडी वारदात की सोच क्या थी। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो राउडी वारदात के बारे में और भी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े बाल, आंखों पर चश्मा, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान घर, ये है रोहित भाटी और फिर राउडी वारदात, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। दो दिन पहले इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बारे में कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बातें बुरी भी होती हैं। तो हम आपको दोनों बातें बताएंगे। राउडी वारदात जब 13 साल का था, तभी उसने सोच लिया था कि स्कूल के क्लासरूम में आगे के बेंच पर बैठकर रट्टू तोता तो नहीं बनना, बल्कि क्लासरूम में साइड वाली खिड़की कब्जा करके आराम से टाइम पास करना है। तो कुछ दिन चलता रहा, और जब वो 10वीं में पहुंचा तो उसके एक दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई। उस वक्त राउडी की उम्र 13 साल की थी। उसने अपने दोस्त के खातिर सामने वाले लड़के का सिर फोड़ दिया। इस मामले में उसके ऊपर केस हुआ, लेकिन कम उम्र के चलते वो बच गया। इस घटना के बाद वो टशन में रहने लगा। उसके सारे दोस्त उसे राउडी बुलाने लगे, और देखते ही देखते वो रोहित भाटी से राउडी हो गया। वारदात करना उसका दूसरा काम था, तो राउडी के साथ वारदात शब्द अपने आप जुड़ गया और वो बन गया राउडी वारदात। राउडी वारदात वैसे रहने वाला तो बुलंदशहर का था, लेकिन ग्रेटर नोएडा में रहा करता था। घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन, पत्नी, दो बच्चे सब लोग थे। राउडी ने किसी तरह से 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़कर राउडीपन करने लगा, और उसके ऊपर एक के बाद एक 4 मामले दर्ज हो गए। ये बातें खुद राउडी वारदात ने एक इंटरव्यू में कही थी। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर आकर राउडी जब डायलॉग बाजी करता तो लोग उसके दीवाने होने लगे, और धीरे धीरे राउडी वारदात मशहूर होने लगा, और एक दिन वो इतना मशहूर हो गया कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया। आसपास के जिलों के कई गांवों के लड़के उससे मिलने रोजाना आया करते थे। राउडी के अंदर एक बात तो आप गंदी ये भी कह सकते हैं कि जब वो छोटे बच्चों से मिलता था, खासतौर पर नाबालिग बच्चों से, तो उनसे भी वो उसी अंदाज में बात किया करता था, जो कि कहीं ना कहीं आप गलत कह सकते हैं। जबकि और हर मामलों में वो सबसे अलग था। 4 केस होने के बाद वो सबसे मिलता था। उसके ऊपर 4 केस होने के बाद भी वो सबसे आराम से मिलता था, सबको टाइम दिया करता था, और वो कहता था कि पैसे बहुत हैं, चिंता नहीं करना। लड़कियां राउडी के दीवानी थी, लेकिन लड़कियों के मामले में राउडी एकदम कैरेक्टर का अच्छा था। हर लड़की को बहन के समान मानता था। राउडी कहता था कि जो भी लड़की उससे बात करती है या फिर उसके साथ शादी करने की बात करती है तो वो साफ मना कर देता था, और उसे बहन कहकर संबोधित किया करता था। ये उसके अंदर बहुत अच्छी आदतें थी। जबकि वो दूसरी तरफ ये बातें भी खुलेआम कहता था कि उसकी शादी हो चुकी है और अलग से एक गर्लफ्रेंड भी है, बिना डरे, एकदम ईमानदारी से, जबकि आमतौर पर ये बातें किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। एक स्टार के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। राउडी कहता था कि उसे मारने के लिए कई लोग फोन पर धमकियां दिया करते थे, लेकिन वो हमेशा कहता था कि मेरा गांव यही है, आ जाओ निपट लेंगे। वो कभी किसी से डरता नहीं था। लेकिन राउडी एक बात और भी कहता था कि जितना मजा दोस्तों के साथ बैठकर खाने पीने में अच्छे से रहने में आता है, उतना मजा अपराध करके अपराध की दुनिया में आने में नहीं आता। हालांकि राउडी गैंगस्टर तो नहीं था, लेकिन शॉर्ट फिल्मों में वो गैंगस्टर का रोल करता था। उसके फैंस उससे लगातार पूछते थे कि यार तुम गैंगस्टर का रोल क्यों करते हो, तो राउडी कहता था कि ऐसा करके उसे मजा आता है। राउडी वारदात की सच्चाई यही थी, उसकी असली कहानी यही थी। तो दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राउडी की आत्मा को शांति दें और वो जहाँ भी रहे खुश रहे। आपका राउडी को लेकर क्या कहना है, राउडी की कहानी को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए पीडीएफ न्यूज़। चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लौंडा खुश है, कुछ तो बात में राज है, आज को दिन डार्लिंग मेरे लिए बड़ो खास है।
हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें।